के अभाव में बिगड़ा। देखो किसी ना किसी का संग तो मन करेगा, निरंतर करेगा, सतत करेगा। आप दो घड़ी चैन से बैठ भी जाओ पर मन तो नहीं बैठता है, वो तो किसी ना किसी का संग कर रहा है। मन है ही क्या, मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम अंतःकरणम इति मनः। संकल्प और विकल्प का ही नाम मन है। माने मन उछल कूद कर ही रहा है, निरंतर कर रहा है और करेगा, किसी का संग तो करेगा। अगर आप मन को सत्संग नहीं कराओगे तो मन कुसंग करेगा। किसी ना किसी का संग तो मन करेगा, आप सत्संग करा दो तो वो सत्संग करेगा। आप सत्संग नहीं कराओगे, एक और बात भी यहां समझने की है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई हम कुसंग भी नहीं करते लेकिन हम सत्संग में भी नहीं जाते। वो व्यक्ति भूल कर रहा है, क्योंकि सत्संग के अतिरिक्त तो जो है वो एक प्रकार से कुसंग ही है। वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी प्रकार की हानि कराएगा ही। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम सत्संग में भी नहीं जाते पर हम किसी का बुरा भी नहीं करते, हम किसी का अहित भी नहीं करते लेकिन हम सत्संग में भी नहीं जाते। भाई कमाओगे नहीं तो जो गांठ में कमाया हुआ धन है वो कै दिन चलेगा? खर्च करते करते कोई केवल खर्च ही करे कमाए नहीं तो समुद्र भी खाली हो जाता है। तो यदि आप सत्संग में मन को नहीं लगाओगे तो वो आपको कुसंग में ले जाकर गिरा देगा। और उसके पास इतनी सामर्थ्य है, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, बोले बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इस चेतन अमल सहज सुख राशि जीव को बंधन में डालने वाला कौन है? मन है। मुक्त कराने वाला कौन है? मन है। मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। किसी की बात भगवान ने नहीं की, ना बुद्धि की ना चित्त की, मन की बात कर रहे हैं। संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। रविदास जी कह रहे हैं जैसे खोटे तुरंग की, जैसे अड़ियल घोड़ा होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद अटक जाता है। स्वामी चाहता है वो कहीं चले पर वो जाता कहीं और है, स्वामी को भी कहीं और ले जाता है। तो बहुत अड़ियल घोड़ा हो तो अपने सवार को ही पटक देता है। फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि मन के पास इतनी सामर्थ्य है, वो ले जा सकता है आपको कहीं। आज व्यक्ति जितनी दौड़ भाग कर रहा है, कि जीवन में जितनी दौड़ भाग है, क्या क्या व्यक्ति नहीं करता है, छल कपट पाप कर रहा है, निरंतर कर रहा है, किसके कहे कर रहा है? शास्त्रों के कहे कर रहा है, गुरुजनों के कहे कर रहा है, अपने हितैषियों के कहे कर रहा है, किसके कहे कर रहा है? मन के कहे कर रहा है। अच्छा, और संसार कैसा दुष्ट है, कैसी शिक्षा संसार देता है। वो कहता है सुनो सबकी, करो मन की। कहता है कि नहीं? अरे सबकी सुनो करो मन की। अरे मन की सुनी करके किसका हित हुआ है आज तक? यहां तो कहते हैं मन की चाल चलने वाला मनमुखी है, वो तो कभी कृपा पात्र हो ही नहीं सकता। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि कुछ कुछ बातें कैसे जन्म से ही हमको सिखा दी जाती हैं। ऐसे आपसे मैं कहता हूं, कहते हैं मन लगा के काम करो। छोटी सी बात है, आप चाय बना रहे हो, मन लगाने से क्या होगा भाई? उसमें बुद्धि की आवश्यकता है ना, कब कब उसमें चाय डालनी है, कब मीठा डालना है, कब दूध डालना है, तो बुद्धि की आवश्यकता है। इसमें मन क्या करेगा? इसमें मन ना हो तो भी चाय बन जाएगी, बुद्धि ना हो तो नहीं बनेगी। अब मूर्ख व्यक्ति को कहो जाके लड्डू बनाओ, कैसे बनाएगा वो? मन तो उसके पास में है, बुद्धि तो नहीं है। तो संसार के काम में तो मन नहीं चाहिए। जो वस्तु जहां लगानी चाहिए वो वहां नहीं लगाई, इसी के कारण तो सब भूल भ्रम है जीवन में। और दूसरी बात ये हमको सिखा दी, बोले सुनो सबकी, करो मन की। क्यों करो भाई मन की? मन की करने से हित नहीं होता, मन से कराने से हित होता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बोले अब तू मेरो कहो कर। अपने मन से ध्रुवदास जी कह रहे हैं, आज तक मैंने तेरा कहा किया, अब तू मेरा कहा कर। क्योंकि तेरा कहा मैं जब तक करता रहा, कहूं ना पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो, पातन पातन दुख। बात तो बड़ी छोटी सी है, हजार बार सुनी होगी आपने, सुनी ना यहां वहां से सुनी। आप भी हो सकता है किसी को ये सलाह देते हो, भाई सबकी सुनो मन की करो। ना ना, मन की ना करिए भाई। श्रीमद भागवत में उदाहरण आता है ना, ध्रुव जी के प्रसंग में, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि है एक सुनीति है। सुनीति माने जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरुजन कह रहे हैं वो करो, लेकिन वो करना कठिन है, उसके लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, उसके लिए स्वार्थ को एक ओर रखना पड़ेगा, उसके लिए शरीर के सुख का भी त्याग करना पड़ेगा। और दूसरी है सुरुचि, सुरुचि माने जो मन में आए वो करो। अच्छी राजा उत्तानपाद को कौन लगती है? सुरुचि लगती है। किसी को भी
उनको क्यों? आपको मुझे हम सबको सुरुचि ही प्रिय है, जो मन को अच्छा लगे वो करो। छोटे से बच्चे को सिखा दिया मन की करो, सबकी सुनो मन की करो, ना भाई मन की ना करिए। मन का कहा करके कोई टिकाने नहीं पहुंचा, मन ही करे फजीत। तभी श्री नागरी दास जी कहते हैं, ये मन मार जीवाइये जियत ना आवे काज। ऐसा मन भजन के काम का नहीं जैसा आपका मेरा आज मन है ना, अपनी इच्छा से चलने वाला, बेलगाम चलता है, जहां जहां इच्छा हो वहीं जाता है और अकेला नहीं जाता, आपको भी ले जाता है, आपको भी ले जाता है। तो ऐसे मन के कहे चल के, ऐसे मन के पीछे लग के किसी का हित नहीं हुआ। ये मन मार जीवाइये, मार जीवाइये अर्थात एक बार इस मन को गुरु चरणों में डालिए, फिर वो अपनी अमृत संजीवनी विद्या से इसको इसको पुनर्जीवित करेगा। फिर ये काम का होगा, फिर ये कल्याण कराएगा। अब कोई पूछे, भाई इतना ही झंझट है तो इसको मारे ही दो, मन मार दो। लेकिन ये मारना नहीं है, क्योंकि मिलाएगा भी यही, मिलाएगा भी यही, मन ही मिलावे राम से, मिलाने वाला भी यही है, तो इसको मार नहीं सकते। तभी जब श्री कृष्ण कथा का चिंतन किया जाता है ना, तो कहते जो कालिया है ना, हजार हजार फण है, हर फण से वो विष उगलता है, भगवान ने उसको मारा नहीं। मार भी सकते थे, कितने दैत्यों को मारा, असुरों को मारा, उसको क्यों छोड़ दिया? ये मारा नहीं, उसको नाथा माने नियंत्रित किया है, अपने चरण कमल उसके मस्तक पर पधराकर उसको उसकी वृत्ति से मुक्त किया है। इस लीला में प्रभु ने पापी का संहार नहीं किया, पाप का संहार कर दिया, जो अनुचित था उसको हटा दिया। हाँ, पर ये छोटी सी बात हमको आज मिल जाती है कि भाई ये बात ठीक नहीं है कि सुनो सबकी और करो मन की, ये बात ठीक नहीं है। ये फार्मूला जीवन में नहीं लगाना, लगाओगे तो बड़ी भारी भूल हो जाएगी। जहां अपनी बुद्धि न जाती हो, जहां जिस बात पर अपनी बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता ना हो, वहां शास्त्र का और गुरुजनों की आज्ञा का ही अनुसरण करना चाहिए। इसी में जीव का, इसी में आपका मेरा हम सबका हित है, कल्याण है। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, वो किसी व्यक्ति ने लिखा कि मैं आपकी इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात यहां से कहना चाहता हूं कि मैं यहां से कुछ भी अपनी थ्योरी नहीं कहता हूं। ये तो जो शास्त्र की और गुरुजनों की बात है, मैं तो जो कहते हूं आपको वो बता रहा हूं। अरे मेरे क्या, मेरे पिता के पास में इतनी बुद्धि नहीं है जो अपनी थ्योरी बना सके, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं भाई। मैं तो यहां से ये बात कह रहा हूं, हमारे पास ना इतनी बुद्धि है और ना हमें ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है कि हम इससे न्यारा कोई अपना सिद्धांत बनाएं। तो जो जो हमको मिल गया है हमको पर्याप्त है। इन शास्त्र के वाक्यों के रूप में, अपने आचार्य के शब्दों के रूप में हमें जो मिल गया है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इससे अधिक की हमको आवश्यकता नहीं है।